हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए मलाई मटका कुल्फ़ी। देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और इसे आज हम घर में पड़े, किचन में पड़े ही सामान से बनाएंगे। और गर्मियों के टाइम पे तो इस तरह की चीज़ें मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आता है, खाने को अच्छा लगता है। तो बहुत ही ईजिली और बहुत ही कम समय में हम इसे तैयार करेंगे और ये बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम मलाई मटका कुल्फी बनाना शुरू करते हैं। कुल्फी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 लीटर ये फुल क्रीम दूध ले लिया है। आप फुल क्रीम दूध ही लें जिससे मलाई कुल्फी बहुत टेस्टी बनता है। जब तक दूध गर्म हो रहा है हम एक पेस्ट रेडी कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 8 से 10 ये बादाम को भिगा के उसके छिलके निकाल दिए हैं। उसी के साथ 6 से 8 ये काजू ले लिया है। उसी के साथ 6 से 8 ही पिस्ता ले लिया है और 2 चम्मच डाल रही हूँ शक्कर। और उसी के साथ कुछ धागे केसर के ले रही हूँ, 3 से 4 धागे। और 2 चम्मच इसमें दूध डाल के इसे हम एकदम फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से इसे हमें फाइन पीस लेना है। तो अब यहाँ पे हमारा दूध भी गर्म हो चुका है, देखिए इसमें उबाल आने लगा है। तो अब यहाँ पे हम जो हमने पेस्ट बना के रखा है उसे ऐड करेंगे। उसी के साथ डाल रही हूँ ये 4 से 5 चम्मच मलाई, जो हमारे घर में दूध आती है उसकी मलाई ऐड कर रही हूँ। हम मलाई कुल्फ़ी बना रहे हैं तो जितना ज़्यादा हो सके आप इसमें मलाई ऐड करें, बहुत ही टेस्टी कुल्फ़ी रेडी होती है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद फिर उसमें डाल रही हूँ ये 2 चम्मच मिल्क पाउडर। अगर आपके घर में हो तो मिल्क पाउडर डालें, नहीं तो टोटली इसे स्किप कर सकते हैं। और इसे भी डाल के अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और 4 से 5 मिनट कुक करेंगे कि दूध गाढ़ा भी हो जाए और थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। 4 से 5 मिनट हो गया है दूध को कुक होते हुए। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और ये अब गाढ़ा भी हो चुका है। 20% दूध इसमें से रिड्यूस हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप ये शक्कर। ये भी आप आपके पसंद के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो इसे डालेंगे। उसी के साथ डाल रही हूँ यहाँ पर मैं ये 2 चम्मच दूध में केसर के धागे भिगा के रखी थी, इसे डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और हमारी कुल्फ़ी में कलर भी आता है। तो इसे डाल के दोनों चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट इसे हम और कुक करेंगे कि थोड़ा सा ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। दूध को कुक होते हुए और 4 से 5 मिनट हो चुका है। टोटल इसे मैंने 8 से 10 मिनट कुक किया है। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये गाढ़ा हो चुका है और अब इसे हम और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, नहीं तो ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाता है। फिर लास्ट में इसमें डाल रही हूँ मैं ये 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो इसे डाल के भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे पूरी तरह से। थोड़ी देर में ही देखिए दूध बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पे अब मैं कुल्फ़ी को सेट करने के लिए इस तरह के मटके के शेप का ये कप लिया है। आप कोई भी कप या कटोरी में कुल्फ़ी को सेट कर सकते हैं। फिर उसमें हमने जो कुल्फ़ी मिक्स रेडी किया है उसे फिल कर देंगे दोनों कप में। कुल्फ़ी को फिल कर लेने के बाद फिर ऊपर से गार्निश कर रही हूँ पिस्ता से और बादाम से, दिखने में अच्छा दिखता है। फिर उसे ऊपर से कवर कर रही हूँ इस तरह के फॉइल पेपर से, अच्छी तरह से इसे कवर कर देंगे कि इसमें हमारी कुल्फ़ी में आइस क्रिस्टल ना जमे। और अच्छी तरह से इसे इस तरह से सेट कर लेने के बाद अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे, डीप फ्रिज में रखेंगे 8 से 10 घंटा अच्छे से सेट होने के लिए, या आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास इस तरह का ये कुल्फ़ी मोल्ड है। आपके पास जो भी कुल्फ़ी मोल्ड हो आपके घर में आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें भी हम कुल्फ़ी के मिक्स को इसमें फिल कर लेंगे और फिल कर लेने के बाद फिर ऊपर से इसमें इस तरह का ढक्कन है वो लगा देंगे, इसका लिड, और ऊपर से उसमें स्टिक डाल दे रही हूँ। इस तरह से भी कुल्फ़ी बच्चों को बहुत पसंद आती है।
ओवरनाइट इसे मैंने डीप फ्रिज में रखा था, अब इसे मैंने बाहर निकाल लिया है, तो इसे अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए बहुत अच्छी से हमारा ये मलाई मटका कुल्फी सेट हुआ है, आप देख सकते हैं। देख के कोई भी नहीं कहेगा कि इसे हमने घर में बनाया है, एकदम मार्केट जैसा लुक आ रहा है और जैसा ये दिख रहा है खाने में भी उतना ही ज़बरदस्त होता है। और उसी के साथ जो हमने इस कुल्फी मोल्ड में इसे सेट किया था, इसे भी मैंने बाहर निकाल लिया है। तो इसे इस तरह से थोड़ा सा पानी में हम इसे 1 मिनट के लिए इस तरह से डिप करेंगे और उसके बाद उसे निकालेंगे। बहुत ही आराम से ये निकल जाता है। देखिए बहुत ही यम्मी सा हमारा कुल्फी सेट हुआ है। देखिए हमारी मलाई कुल्फी कितनी क्रीमी और दानेदार टेक्सचर में ये बना है, बहुत ही यम्मी सा बनता है। जो इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट पीस के डाला है उसकी वजह से एक अमेजिंग सा टेस्ट आता है हमारी मलाई कुल्फी में। तो इस समर में आप इसे ज़रूर ट्राई करना, आपके घर में बड़ों को बच्चों को सभी को ये बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही जो बेल का बटन होता है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली आपको सभी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।